एक राजा के पास एक बहुत बढ़िया तिजोरी थी। किस तरह की तिजोरी थी ये तो मैंने चप्पल में काटकर, पुरानी चप्पल नहीं मत काटिएगा, पुरानी चप्पल को ऑफकोर्स धो लिया अच्छी तरह से और उसमें एक गोला बना दिया, यहाँ पर ध्यान दें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बना दिया। तो राजा की जो तिजोरी थी वो बहुत बढ़िया थी, उसमें दो तरीके के ताले थे, एक गोला और एक रेक्टेंगल। और राजा ने क्या कहा, आपको ऐसी चाबी बनानी है जो इस गोले में बिल्कुल फिट आए, गोले की सारी बाजुएं टच होती हुई बाहर निकल जाए, और उसी तरह से एक चाबी बनानी, वही चाबी इस रेक्टेंगल में भी बिल्कुल बराबर फिट होनी चाहिए, इधर से डालें तो इधर से बाहर निकल जाए, और सारी इसकी जो बाउंड्री है वो चाबी की और इसकी बाउंड्री टच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी सी कोई ताली घुसा दें तो इसमें घुस गई और इसमें भी घुस जाएगी, पूरी बाउंड्री टच होनी चाहिए। तो कैसी चाबी हो सकती थी वो, स्क्वायर गोले में तो नहीं जा पाएगी, सिलेंडर होगी, क्योंकि सिलेंडर एक तरफ से जैसे देखें दूर से ये सिलेंडर दिखता है, एक तरफ से अगर आप देखें तो गोला है तो गोले में चला गया, ऐसे डालेंगे तो रेक्टेंगल है। तो अब राजा बड़ी चक्कर में आ गया, उसने कहा ये तो हमारी तिजोरी खुल गई, तो उसने कहा अब आपको क्या करना है, अब मेरी तिजोरी में तीन ताले हैं, एक गोल, एक चौकोर और एक त्रिकोण, तो आपको ऐसी चाबी बनानी है इन खीरे और ककड़ी से जो गोल भी हो, जो रेक्टेंगल भी हो यानी आयत भी हो और त्रिकोण, और तीनों में बिल्कुल बराबर फिट आनी चाहिए। जब ये चीजें बनाएंगे और देखेंगे तब 3D में समझ आएगा। फर्स्ट ईयर में जाकर और कहीं कहीं जाकर हम वो करते हैं टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इनफैक्ट आजकल 8वीं में कराने लगते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता। जब तक आप अपने बच्चों को मूली, खीरा, ककड़ी ऐसी चीज़ें नहीं देंगे और हाथ में कटर नहीं देंगे और तराशने के लिए नहीं बोलेंगे या खुद नहीं तराशेंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ द प्रॉब्लम इवन इन आवर इंजीनियरिंग साइंसेज। जब हम लोग IIT कानपुर में पहली बार पढ़ने के लिए गए तो एक कोर्स होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, कुछ लोगों ने शायद सुना हो, उसमें वो ड्राफ्टर लेके जाते हैं, कुछ कुछ कराते हैं। उस पूरे कोर्स में, 4 महीने के कोर्स में क्या करना था, सिर्फ यही करना था, किसी भी वस्तु को ऊपर से देखें तो कैसी दिखती है, साइड से देखें तो कैसी दिखती है और फ्रंट से देखें तो कैसी दिखती है, जो दिखे वो कागज़ पर बना दो। तो मैं देखता था कि काफ़ी सारे बच्चे, ऑलमोस्ट आधी क्लास वॉज स्ट्रगलिंग, बहुत परेशानी हो रही थी उस कोर्स में, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जबकि इतना सरल कोर्स है। क्या कोर्स है कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है वो बना दो, और गोला उसमें आर्ट ड्राइंग नहीं चाहिए, सीधी सीधी लाइनों वाली चीज़ है, जो दिखे वो बनाओ, उसमें भी लोगों को कष्ट हो रहा था। और मैं देखता था बहुत सारे बच्चों का ये हाल था। बाद में जब मैं लगभग 41 साल का हुआ, तब एक दिन अचानक मुझे चमका कहीं, क्योंकि मैं कुछ और लेख पढ़ रहा था, कि पूरी क्लास में, 4 महीने की क्लास में हमारे टीचर ने कोई भी चीज़ वहाँ ला कर नहीं दिखाई, पूरा कोर्स सिर्फ बोर्ड पर हो गया। जबकि कोर्स किस बारे में है, किसी वस्तु के बारे में है, कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए इसी तरह से, और अगर वो चीज़ हम नहीं लाते तो बच्चों का दिमाग कहीं और, मतलब वो उससे जोड़ नहीं पाते अपने दिमाग को। जिस तरह से हमारे दिमाग की संरचना है वो यही है कि स्थूल से अपन सूक्ष्म में जाते हैं, तो पहले कोई स्थूल वस्तु आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो हम अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाते और जो टीचर बोल रहे हैं उससे हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसी तरह से जब हम जनरेटर, मोटर, बत्ती सब चीज़ों की बात करते हैं तो कोई वस्तु तो हमें ले जानी पड़ेगी, नहीं तो सब हवा में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आ जाती है, यहाँ से प्लस में माइनस, कोई चीज़ दिखती ही नहीं है।